जी नमस्कार, कौन सा बोल रहे हैं? जी सर, गुप्ता जी हैं सर, बेतिया जी, बेतिया से सर बोला जाए। जी जी कौन बोल रहे हैं? मैं ओम प्रकाश गुप्ता बोल रहे हैं। कल सर जो आके शुक्ला जी आके लाइन में जोड़े, हाँ हाँ जी क्राइम फ्री इंडिया में, क्राइम फ्री भारत। जी तो भारत में। प्रकाश गुप्ता जी, आप कहाँ के रहने वाले हैं? हम बेगूसराय जिला से, बेगूसराय। बेगूसराय अच्छा, बिहार। नहीं तो वो आप तो ओम प्रकाश गुप्ता है ना? जी 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 आपसे तो बड़ी लंबी बात हुई थी मेरी, जी सर, कल तो बात हुई थी, परसों बात हुई थी, काफी लंबी बात हुई थी। हाँ परसों जी। तो आपको क्राइम फ्री भारत, आपने यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर ली है क्या? सर इसमें जो है ना कर रहे हैं। हाँ, और आप जो है क्राइम फ्री भारत यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके उसके वीडियो को देखोगे तो आपकी हर समस्या का उसमें समाधान मिलेगा। आप अपने बच्चों को एक अच्छा भारत दे पाओगे 21 लक्ष्यों के साथ। तो ओम प्रकाश गुप्ता जी, आपको अपने बच्चों को अच्छा भारत देना है कि नहीं देना है? जी हाँ या नहीं? जी सर देना है ना? जी। आपको जो है, जो आज आपके ऊपर नियम कानून थोपे हुए हैं जिनसे आप पीड़ित हैं, जहां आपकी सुनवाई नहीं हो रही है, ये वही नियम कानून है जो अंग्रेजों ने भारतीयों को अपमानित करने के लिए, उत्पीड़ित करने के लिए और शोषित करने के लिए बनाए थे। और ये वही प्रशासनिक और जुडिशियल व्यवस्था है जिसके तहत लोगों को उलझाकर न्याय से वंचित रखना उद्देश्य था। शिक्षा व्यवस्था भी लॉर्ड मैकाले ने जो रिपोर्ट पेश की थी 2 फरवरी 1835, जिसके बाद इंडियन एजुकेशन एक्ट बनाया गया था, उसका उद्देश्य था कि आपकी शिक्षा व्यवस्था को तोड़ दें और आपको जो है अपने कल्चर में, अपने देश में जो है, जो आपका स्वाभिमान है उसको तोड़ दें। जी जी। तो एक जो है क्लर्क पैदा करने वाली शिक्षा व्यवस्था आप पर थोपी हुई है। जी क्लर्कियल जो, हाँ क्लर्कियल व्यवस्था है। तो ओम प्रकाश गुप्ता जी, अब बिल्कुल एक अच्छे सिपाही के बतौर लग जाइए। आप यदि ऐसा कहेंगे तो आपका जो है चिंतन और सोच सकारात्मक हो जाएगा। जी, आप अपने, हाँ, अभी आप पीड़ित हैं, आपको लग रहा है आपको न्याय नहीं मिल रहा है, उसको भाड़ में जाने दीजिए। अब जी, जो जी, है जी, आपके बच्चों को अच्छा भारत मिले इसके लिए लोगों को जोड़ने में लग जाइए। जब आप सकारात्मक बात करेंगे तो आपसे आसपास के लोग भी जो है उनके विचार आपके प्रति बदल जाएंगे। जी जी तो आप जरूर ऐसा करिए, ठीक है ना? और जुड़े रहिए, ठीक है? जी और सर, रोज 2 संगोष्ठियां जरूर करिए लोगों को जोड़ने की। कर पाएंगे? जी चलिए, ओम प्रकाश गुप्ता जी आपसे बात करके अच्छा लगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।